हेलो फ्रेंड फ्रेंड आप इस बात को ऑलरेडी जान चुके होंगे कि रूट वर्ड्स किस तरह से वर्ड स्टॉक को बढ़ाने में काफ़ी इफेक्टिव टेक्निक के रूप में प्रूव हो रहा है। एक रूट वर्ड पर आप 4-5 किसी में तो 20-20 वर्ड्स आप उससे रिलेटेड पाएंगे, उसका पार्ट ऑफ स्पीच पाएंगे, उसका प्रोनंसिएशन पाएंगे, उसका यूसेज पाएंगे। ओके सो फ्रेंड ये जो टेक्निक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और इसके थ्रू से आप यदि वर्ड्स को लर्न करते हैं तो आप लर्न किए गए वर्ड्स को बहुत दिनों तक होल्ड कर सकते हैं अपने दिमाग में। तो फ्रेंड आज के इस सेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट रूट वर्ड्स को लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल वर्ड्स हो सकता है और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हो सकता है उसका मीनिंग, उसका प्रोनंसिएशन, उसका यूसेज, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे चीज़ों को हम लोग काफ़ी डिटेल में तोड़ करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीन पर आर्क देख पा रहे हैं। आर्क का मतलब होता है चीफ या हेड या रूलर, ये मीनिंग आपको याद रख लेना है और इसी से रिलेटेड आपके वर्ड्स बनते हैं। क्या क्या? आर्क एंजल बन रहा है, आर्क बिशप बन रहा है, आर्क एनिमी बन रहा है, मोनार्क बन रहा है, पैट्रियार्क बन रहा है। अब सारे का एक एक करके मीनिंग को समझते हैं। ठीक है, आर्क का मतलब जैसा कि जान रहे हैं इसका मतलब चीफ होता है, नहीं तो हेड होता है, नहीं तो रूलर होता है। और एंजल का मतलब होता है भगवान का दूत, मैसेंजर होता है, गॉड्स मैसेंजर इज कॉल्ड एंजल। ओके, तो जो प्रमुख दूत होगा वह कहलाएगा आर्क एंजल। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं आर्क बिशप। फ्रेंड जो बिशप होता है वह किसी चर्च का पादरी होता है। पादरी किसको कहते हैं? प्रिस्ट को कहते हैं। प्रिस्ट को हिंदी में कहते हैं पुजारी को। तो चर्च के जो पुजारी होते हैं उसको हम लोग क्लर्जी कहते हैं, ठीक है, या क्लर्जी मैन कहते हैं। और जो सीनियर क्लर्जी होता है किसी भी चर्च का, जिसका दायरा, जिसका कंट्रोल, जिसका डोमिनियन, जिसका प्रभुत्व थोड़ा एक बड़ा एरिया में होता है, तो उसके हम लोग कहते हैं बिशप। ठीक है, ये सीनियर क्लर्जी मैन होता है। और सीनियर का भी जो सीनियर होगा वह आर्क बिशप कहलाएगा। कहेगा, कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो आर्क बिशप होगा वो चीफ होगा, ये बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल करेगा, बहुत बड़े एरिया को ये डोमिनेट करेगा। ठीक है, ये प्रधान बिशप कहलाएगा, मुख्य बिशप कहलाएगा। क्लियर, तो ये हो गया इसका मीनिंग। अब इधर देखिएगा आर्क एनिमी। एनिमी मतलब क्या हुआ? दुश्मन हुआ। और आर्क का मतलब हो गया चीफ। तो चीफ दुश्मन जो होगा, जो मुख्य दुश्मन होगा, जो मेन दुश्मन होगा वही आर्क एनिमी कहलाएगा। जैसे पाकिस्तान के लिए इंडिया कहलाता है आर्क एनिमी, या इंडिया भी पाकिस्तान को आर्क एनिमी समझता है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब इधर देखिएगा मोनार्क। मोनार्क को यदि तोड़ेंगे तो दो यहाँ पर वर्ड्स निकल करके आते हैं। एक आता है मोनो, ठीक है, और जो दूसरा है वो आर्क है। इस तरह से मोनार्क बना। मोनो का मतलब होता है, ये मोनो से निकला हुआ है, मोन है, मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल, और आर्क मतलब होता है रूलर। ठीक है, सिंगल रूलर को ही हम लोग मोनार्क कहते हैं। एक राजा जो होता है वो सिंगल रूलर होता है, राजा हो या रानी हो, तो उसे हम लोग मोनार्क कहेंगे, राजा को हम लोग कहेंगे, नहीं तो रानी को कहेंगे मोनार्क। क्लियर, अब यहाँ पर देखिएगा पैट्रियार्क। यहाँ पर इस अगर हम लोग इस वर्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग दो वर्ड्स पाएंगे, एक पैटर, ठीक है, पैटर मतलब होता है पिता। ओके, और आर्क का मतलब होता है ऑब्वियसली हेड या चीफ। तो इन दोनों को लेकर के, इन दोनों वर्ड्स को लेकर के, पैटर और आर्क को लेकर के अगर हम लोग मीनिंग निकालेंगे तब मेल हेड को हम लोग कहेंगे पैट्रियार्क। हर फैमिली में एक पैट्रियार्क होता है। पैट्रियार्क के रूप में या तो पिताजी हो सकते हैं या दादाजी हो सकते हैं, जिनके अंडर में फैमिली होता है और उनकी बात को सभी मानते हैं। तो वो जो मुखिया है घर का, ठीक है, उस मुखिया को हम लोग कहेंगे पैट्रियार्क। लेकिन यहाँ पर मेल ही होना चाहिए मुखिया के रूप में, तब वो पैट्रियार्क कहलाएगा। ठीक है, अगर फीमेल मुखिया हो तब वो मैट्रियार्क होगी। ठीक है, मैट्रियार्क, ओके, तो मैट्रियार्क होगी। और हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वो पैट्रियार्कल सोसाइटी होता है, और मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आर्क से रिलेटेड इतने सारे वर्ड्स का मीनिंग को हम लोग अच्छी तरह से कर लिए। अब फ्रेंड हम लोग आर्की के बारे में डिस्कस करते हैं। ये वर्ड इसी से निकला हुआ है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएगा, ठीक है, और एक कॉमन नाउन बना रहा है। आर्की का मतलब होता है रूल या गवर्नेंस,
या गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। ये शासन कहलाएगा। ऊपर वाला आर का क्या था? शासक। तो ये क्या है? शासन। अब मोनार्की किसको कहते हैं? एक ऐसा शासन जो राजा के द्वारा चलाई गई हो। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? राजतंत्र या राजशाही व्यवस्था, ठीक है, वो मोनार्की कहलाएगा। एनी कन्फ्यूजन? अब डायार्की को देखिएगा। डाई का मतलब होता है दो और आर्की मतलब होता है रूल। ये एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो व्यक्ति शासन को चलाते हैं, ठीक है। एक लोकल स्तर पर सरकार होती है तो एक सेंट्रल लेवल पर एक सरकार होती है। लोकल लेवल पर भी पावर्स पूरी तरह से मिला हुआ रहता है जो शासक होता है, और जो सेंट्रल लेवल पर होता है उसके पास भी पूरा जो है ना पावर रहता है। तो दो लेवल पर शासन की जाती है यहाँ पर, तो उस शासन पद्धति को हम लोग डायार्की कहते हैं। भारत में डायार्की था, 1919 को डायार्की देखी जा सकती है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब था। तो आप हिस्ट्री में आप डायार्की जिसे कहते हैं द्वै शासन पद्धति, ये आप हिस्ट्री में आप एक बार देख लेंगे, पॉलिटिकल साइंस में भी आप पढ़े होंगे, नहीं तो पढ़ ले। ओके, अब नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है आर्की पर बना हुआ वो है हायरार्की। फ्रेंड ए जो आया हुआ एयर से, एयर प्लस आर्की, एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, मतलब नीचे की जो संतति होती है उसका जो शासन होता है, मतलब एक पदानुक्रम इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे। जैसे मान लिया जाए ऊपर में एक बॉस है, ठीक है, बॉस के नीचे मान लिया जाए कि एक एक एक, एक उनका जो है ना एक असिस्टेंट हो गया। इसके बाद फिर एक आपका मैनेजर ले सकते हैं, मैनेजर के नीचे फिर इस तरह का जो है ना सो कुछ कुछ आप नीचे वाले रैंक वाले अधिकारीगण होंगे, है ना, और फिर इसके नीचे कुछ लोग रहेंगे। तो ये जो दिख रहा है इस तरह के रैंक के आधार पर इस तरह का जो क्रम है, तो हम लोग इसे ही हायरार्की कहेंगे, ठीक है। इसको हिंदी में पदानुक्रम कहते हैं, पदानुक्रम, पद के अनुसार जो क्रम में रहते हैं उसे हम लोग पदानुक्रम कहते हैं। ओके, अब फिर एनार्की को देखिए। एनार्की को यदि हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग दो वर्ड्स को पाएंगे, ठीक है, आप जान लें। एक हो गया एन और दूसरा हो गया आर्की, ठीक है। एन ऑपोजिट होता है या एब्सेंस होता है या नो होता है, ठीक है, मतलब ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। और आर्की मतलब जैसा कि हम जानते हैं रूल होता है। तब यहाँ पर देखिएगा नो रूल, दोनों को लेकर के अगर हम लोग निकालते हैं मीनिंग तो नो रूल हो गया। तो यह क्या है ना, एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा ऐसी स्थिति है, पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसमें सरकार नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, जिसमें किसी भी तरह का कोई रूल शासन नहीं होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एनार्की। एनार्की को हम लोग कहते हैं अराजकता, ठीक है। जैसे सिविल वॉर जब होता है किसी भी देश में, तब क्या होता है कि वहाँ पर एनार्की की सिचुएशन आ जाती है। जब जनता विद्रोह कर देती है तो वहाँ पर एनार्की आ जाती है, जैसे श्रीलंका में हुआ, ठीक है। तो उस जो सिचुएशन को देखा गया उस सिचुएशन को हम लोग एनार्की कहते हैं, क्लियर। इसके बाद देखिएगा पैट्रियार्की। पैट्रियार्की मेल व्यक्ति के द्वारा जो शासन होता है, जो रूल होता है, उस रूल को हम लोग पैट्रियार्की कहते हैं। इसे हम लोग पितृसत्तात्मक कहेंगे, पितृसत्तात्मक पद्धति, पितृसत्तात्मक सोसाइटी को हम लोग कहेंगे पैट्रियार्कल सोसाइटी। हम लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर मेल डोमिनेट करते हैं, ठीक है। इसका उल्टा अगर हम लोग लेंगे तो मैट्रियार्कल हो जाएगा, मैट्रियार्की हो जाएगा। मैट्रियार्की एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें फीमेल हेड होती है, ठीक है। अब इधर देखिएगा ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या हुआ? ओलिग मतलब होता है, ये किसके लिए आया हुआ है? ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आया हुआ है। और आर्की जो है ये शासन पद्धति है, ठीक है, एक ऐसी शासन पद्धति जिसमें कुछ ही लोग शासन को या अपने राज्य को चला रहे हैं, तो उस शासन पद्धति को हम लोग कहेंगे ओलिगार्की। ओके, फिर पेनार्की। पेनार्की भी एक शासन पद्धति होगी। इस शासन पद्धति में क्या होता है ना कि कोई भी इंडिविजुअल किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहता है। पैन का मतलब होता है यूनिवर्सल, कॉमन, ठीक है। ये किसी के द्वारा भी डोमिनेट नहीं होता है, रूल्ड नहीं होता है,
तो उस तरह की जो शासन पद्धति है उसे हम लोग पेनार्की कहते हैं, या एक काल्पनिक सोच है, काल्पनिक पद्धति है। ओके, इसके बाद फिर देखिएगा पेंटार्की। पेंटा, ये जो वर्ड आया हुआ है वो पेंटा से आया, वो पेंटा मतलब होता है फाइव, पांच, और आर्की का मतलब हो गया शासन पद्धति। और इस तरह से दोनों को लेकर के चलेंगे तो क्या बन रहा है कि पांच का शासन। ऑब्वियसली यही सेंस निकलता है कि यह एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें पांच लोग मिल करके शासन को चलाते हैं, ठीक है, राज्य को चलाते हैं, तो उस शासन पद्धति को हम लोग कहते हैं पेंटार्की। इसके बाद बायार्की। देखिए बायार्की और डायार्की में ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, इसमें भी क्या है ना कि दो का शासन है बायार्की में। ओके, तो फ्रेंड इस तरह से हम लोग इन दो रूट वर्ड्स से इतने सारे वर्ड्स को सीख लिया। एक और भी वर्ड हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, आप अगर नोट्स बनाना चाहेंगे तो आप ज़रूर आप नोट्स बना लीजिएगा, मैट्रीआर्कल या मैट्रीआर्की, ठीक है। तो फ्रेंड हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं जहाँ पर और भी इस तरह के रूट वर्ड्स को लेंगे और उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होगा उसको भी हम लोग एनालाइज करेंगे इसी तरह से, ताकि कि यह दिमाग में होल्ड करे काफ़ी दिनों तक। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।